बात हम करते हैं एक एडिशन के ऑपरेशन की, और ये एडिशन का जो ऑपरेशन यानी जो प्रोसेस है एडिशन का, इसे हम लेने वाले हैं नेचुरल नंबर्स के सेट के ऊपर। हम एडिशन के इस ऑपरेशन को यानी एडिशन के इस प्रोसेस को सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स के सेट पर फिलहाल अप्लाई करने वाले हैं। एक बार इस एडिशन के ऑपरेशन को नेचुरल नंबर पर ऑपरेट करने के बाद हम इसी एडिशन को होल नंबर पर भी अप्लाई करेंगे। इसी एडिशन के ऑपरेशन को होल नंबर पर अप्लाई करने के बाद हम इसे इंटीजर्स पर भी अप्लाई करेंगे। इंटीजर्स पर अप्लाई करने के बाद इसी एडिशन के प्रोसेस को हम रैशनल नंबर पर अप्लाई करेंगे, फिर रियल नंबर पर अप्लाई करेंगे। यानी एडिशन मैथमेटिक्स में जो हमारा एक प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब हम इसे ऑपरेशन के नाम से जानेंगे कि एडिशन जो है अपने आप में एक ऑपरेशन है, यानी एक प्रोसेस है। और इस एडिशन के प्रोसेस की बात हम करने वाले हैं नेचुरल नंबर्स के ऊपर। अब मान लीजिए ए और बी दो नेचुरल नंबर हैं, ए और बी दो एलिमेंट्स हैं जो कि सेट एन को बिलोंग कर रहे हैं। यानी सिंपली इसे ऐसे समझिए कि ए और बी दो नेचुरल नंबर्स हैं। अब ए और बी अगर दो नेचुरल नंबर्स हैं तो जाहिर सी बात है कि ए कॉमा बी जो होगा वो एन क्रॉस एन को बिलोंग करेगा। अभी अभी आपने देखा था कि n क्रॉस n जब आप निकालिएगा तो n क्रॉस n जो है इस तरह से कुछ सेट बनता है। ये सेट अपने आप में इनफाइनाइट तक चलेगा। आपने नेचुरल नंबर के सेट में से जो दो एलिमेंट्स a और b लिए हैं, वो a और b इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर में जब आप लिखेंगे तो वो इस n क्रॉस n के इस पूरे सेट में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं दो नेचुरल नंबर्स की। फिलहाल हमने अपने उन दो नेचुरल नंबर्स को नाम दे दिया a और b। a और b हमारे दो नेचुरल नंबर्स हैं, और ये दोनों नेचुरल नंबर्स इस तरह से हैं कि a कॉमा b जो है n क्रॉस n को बिलोंग कर रहा है। तब आप जरा एडिशन का प्रोसेस यानी एडिशन का ऑपरेशन इस ए और बी के ऊपर अप्लाई करके देखिए। आपने जो भी दो नेचुरल नंबर लिया है उन दोनों नेचुरल नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो ऐड करके जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल आंसर अपने आप में एक नेचुरल नंबर होगा। इस नेचुरल नंबर के सेट में से आप कोई भी दो एलिमेंट्स को चुन लीजिए, उन दोनों एलिमेंट्स को आप आपस में ऐड करिए। आपस में ऐड करके जो भी आंसर आए वो आंसर के बारे में जरा सोचिए कि क्या वो आंसर आपके इस नेचुरल नंबर के सेट में से आ रहा है या नहीं। जाहिर सी बात है ए और बी अगर आपके दो नेचुरल नंबर हैं तो उन दोनों का सम अपने आप में एक नेचुरल नंबर होगा। अब इसी चीज को मैथमेटिकली हम इस तरह से बता सकते हैं कि एडिशन का जो प्रोसेस है, एडिशन का जो ऑपरेशन है, वो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में बनाए जा सकते हैं नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर, जितने भी ऑर्डर पेयर ए और बी के फॉर्म में बनाए जा सकते हैं नेचुरल नंबर के ऊपर, उन सभी में ए प्लस बी जो है अपने आप में एक नेचुरल नंबर आता है। हमने ए और बी दो नेचुरल नंबर लिए थे, इन दोनों नेचुरल नंबर्स के ऊपर हमने एडिशन के ऑपरेशन को अप्लाई किया, और इस एडिशन के ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आया, ये फाइनल आंसर उसी नेचुरल नंबर के सेट को यानी इस नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है। जैसे अगर आप एग्जांपल समझें,
मान लीजिए हमने एक नेचुरल नंबर 1 लिया, दूसरा नेचुरल नंबर हमने 2 ले लिया, इन दोनों नेचुरल नंबर्स को जब हमने ऐड किया, ऐड करने पर हमें 3 मिला। ये 3 अपने आप में एक नेचुरल नंबर है। दूसरे एग्जांपल की अगर हम बात करें, मान लीजिए आपने 7 लिया, दूसरा नेचुरल नंबर आपने 9 ले लिया, इन दोनों को अगर आपने ऐड किया तो जो आपको आंसर 16 मिल रहा है, ये 16 भी अपने आप में एक नेचुरल नंबर है। आपने एक और नेचुरल नंबर 3 लिया, एक दूसरा नेचुरल नंबर 5 ले लिया, इन दोनों को अगर आपने ऐड किया तो ऐड करने पर जो आपको 8 मिला, ये 8 भी अपने आप में एक नेचुरल नंबर है। आपने एक नेचुरल नंबर 10 लिया, दूसरा नेचुरल नंबर भी आपने 10 ही ले लिया, दोनों को जब आपने ऐड किया, ऐड करने पर 20 आया, ये 20 भी अपने आप में एक नेचुरल नंबर है। मैथमेटिक्स की भाषा में सिंबल के फॉर्म में हम इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली सिंबल के फॉर्म में क्या होता है, हमने जो ऑपरेशन लिया था वो एडिशन का ऑपरेशन था, और ये एडिशन का ऑपरेशन जो हमने अप्लाई किया वो n क्रॉस n के एलिमेंट पर किया। अगर हम बात कर रहे हैं n क्रॉस n की, तो n क्रॉस n में जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे, ये सारे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में मिल रहे हैं। n क्रॉस n में जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे, ये सारे एलिमेंट्स आपके ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में मिलेंगे। हमने ये प्लस यानी एडिशन का ऑपरेशन n क्रॉस n पर अप्लाई किया, और n क्रॉस n पर इस एडिशन के ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आया, वो फाइनल आंसर इस नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो इसे मैथमेटिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर मैं आपको कहीं पर ये लिखकर पूछूं कि ये क्या बता रहा है, तो आप इसको देखकर ये बोलेंगे कि ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि एडिशन जो है एक ऑपरेशन है, और ये एडिशन का ऑपरेशन n क्रॉस n के एलिमेंट पर अप्लाई हुआ। n क्रॉस n के एलिमेंट पर अप्लाई होने के बाद इसने जो अपना फाइनल आंसर दिया, वो फाइनल आंसर हमारे नेचुरल नंबर को बिलोंग किया। बस इस सिंबल का यही मतलब है।